हेलो बच्चों, मैं सौरभ सर टैपिंग क्लास से आ गया हूँ एक और यूज लेके डू डस का। तो यूज ऑफ डू डस का क्या होता है, अब हम नॉर्मल स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं डेली की लाइफ में, जो भी आप करते हैं सुबह से शाम तक, उसको क्या कहते हैं, डू और डस। कोई भी काम सुबह से उठने से लेके शाम को सोने तक, रात को सोने तक, खाना बनाना, खाना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कोई भी काम हो उसके लिए हम क्या कहते हैं, डू डस का यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि मैं खेलता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप पढ़ते हैं, वह स्कूल जाता है, मैं लिखता हूँ, मैं हंसता हूँ, आप सोचते हैं, वह क्रिकेट खेलता है, मैं पढ़ाता हूँ, हम हंसते हैं। तो कोई भी काम हम जब करते हैं उसके लिए कहते हैं डू डस। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं इसमें। तो अब बात जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई प्ले लूडो, मैं लूडो खेलता हूँ, आई प्ले लूडो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, वे भागते हैं, दे रन, यू वॉक इन गार्डन, तुम गार्डन में दौड़ते हो, यू वॉक इन द गार्डन, दाबी लगा देते हैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, यू वॉक इन द गार्डन, आप गार्डन में वॉक करते, यू वॉक इन द गार्डन, आप गार्डन में दौड़ते, यू वॉक इन द गार्डन। We learn the English. हम English सीखते हैं. We learn the English. We learn the habits. हम habits सीखते हैं. We learn the culture. हम culture सीखते हैं. आप पढ़ते हैं. You study. They cut the tree. वे पेड़ काटते हैं. They cut the tree. वे काम करते हैं. They do work. वह newspaper पढ़ता है. मतलब अखबार पढ़ता है. वे हंसते हैं, वह भागता है, वह सोचता है। तो जब हम तीसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम क्या लगाते हैं उसके साथ वर्ब में एस या ईएस। अब एस और ईएस किस किस में लगाना है वो जब आप बोलेंगे तब आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि आपको एस या ईएस किस में लगाना है। तो वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, ही रीड्स द न्यूज़पेपर। अब रीड्स में एस ही लग रहा है, अब मैं ईएस नहीं लगा सकता, जैसे रीड्स नहीं हो सकता तो रीड्स होगा, Yes, नहीं लग पा रहा है, निकल ही नहीं रहा। तो वह सोचती है, she thinks, वे भागते हैं, वह कपड़े कलेक्ट करता है, he collects the clothes, वह he earns the money, वह पैसे कमाता है, he earns the money, राज clicks the picture, राज फोटो क्लिक करता है, वह सेल्फी लेता है, he clicks the selfie, she brings vegetables, वह vegetables लाती है, she brings the vegetables, वे हंसते हैं, they laugh, मैं समझता हूँ, I understand, क्या वह समझती है, does, क्या वह समझती है, इसके लिए हम practice करते हैं, पहले आप screenshot ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसके लिए आप एक बार screenshot ले लीजिए, I hope आपने screenshot ले लिया हो, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सब हमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे आई वी यू दे ही शी नेम, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम सब, और यू मीन्स आप सामने वाले, और वी जो होता है हमसे दूर होते हैं लेकिन हम सब होते हैं, उसमें हम भी, मैं भी आता हूँ, और दे मीन्स होता है वो लोग, वो भी हमसे दूर है लेकिन उसमें मैं नहीं आता, वो लोग, और ही और शी मीन्स लड़का लड़की के लिए, वह, और इट कोई चीजों के लिए जैसे फोन, चार्जर, मार्कर, नेम इज हमारा नाम। तो अब आई वी दे के साथ हम यूज करते हैं डू का, क्योंकि हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हम आई वी दे के हम क्वेश्चन किस करेंगे, डू से, और ही शी नेम के साथ डज। तो जैसे हिंदी में हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, सेम तो आपको पता है, क्या से, क्या आप लिखते हो, क्या आप हंसते हो, क्या आप चुटकुले सुनाते हो, क्या आप सोचते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या मैं रोता हूँ, क्या मैं रोता हूँ, क्या मैं समझता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या आप हंसते हो, क्या आप मार्केट जाते हो, क्या आप लिखते हो, क्या आप पूछते हो, क्या आप बाल काटते हो, क्या वह पोछा लगाती है, क्या आप बैग टांगते हो, क्या आप आते हो, क्या आप सोते हो, क्या पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या वह पैसे कमाता है। तो कोई भी काम आप जो करते हैं सुबह से शाम
उसके लिए हम डू डस का प्रयोग करते हैं। और अब क्वेश्चंस में हम हिंदी में क्या लगाते हैं, इंग्लिश में हम डू डस लगाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन, जैसे डू यू टॉक, क्या आप बातें करते हैं, डू यू टॉक, क्या आप बातें करते हैं, हाँ करते हैं, आंसर वही येस और नो में आएगा। तो येस आई टॉक, मैं बातें करता हूँ, आई टॉक। नो आई डू नॉट टॉक, अगर नहीं करते नो आई डू नॉट टॉक, मैं बातें नहीं करता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट। सेम डज सी स्लीप, क्या वह सोती है, डज सी स्लीप, हाँ वह सोती है, यस शी स्लीप्स, वह सोती है, नहीं सोती, शी डज नॉट स्लीप, वह नहीं सोती है, वह खाना नहीं खाती है, हम नहीं समझते, वी डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं लिखता नहीं हूँ, आई डू नॉट राइट। डू यू किल द मॉस्किटो, क्या आप मच्छर मारते हो, डू यू किल द मॉस्किटो, क्या आप मच्छर मारते हो, नहीं मैं नहीं मारता, आई डू नॉट किल द मॉस्किटो, मैं मच्छरों को नहीं मारता। डू दे डिक्लेयर द पार्टी, क्या वे पार्टी डिक्लेयर करते हैं, डू दे डिक्लेयर द पार्टी, क्या वे अनाउंसमेंट करते हैं, डू दे अनाउंसमेंट। डज विराट हिट द सेंचुरी, क्या विराट सेंचुरी मारता है, डज विराट हिट द सेंचुरी। डज मोहन डू डिशेस, क्या मोहन डिशेस करता है, क्या मोहन बर्तन साफ करता है, नो मोहन डज नॉट डू डिशेस, मोहन डज नॉट डू डिशेस, बट राज करता है, राज डज डिशेस, राज डज डिशेस, राज डज डिशेस। मैं क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले, डू यू प्ले, नो यू डू नॉट प्ले। क्या वह लिखती है, डज शी राइट, डज शी राइट, क्या वह नोट्स पढ़ती है, डज शी रीड द नोट्स, क्या आप पूछते हो, डू यू आस्क, क्या आप समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप लिखते हो, डू यू राइट। तो आप नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं कुछ वोकैब्स के साथ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और नोट कर लिया होगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ हिट द जिम, तो जिम वोकैब्स की बात करेंगे, वोकैब्स में हिट द जिम, तो हिट द जिम वही कसरत करना, अभ्यास करना, जिम करना, तो उसको क्या कहते हैं, हिट द जिम, कोई भी काम करना, हिट द जिम। जैसे आई हिट द जिम, मैं सॉरी आई एम आई डू नॉट हिट द जिम, मैं नहीं करता हूँ, आई डू नॉट हिट द जिम, वह करता है, ही डज हिट द जिम या ही हिट्स द जिम। सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, मैं नहीं गाता, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वाटर द प्लांट, वाटर द प्लांट मीन्स पानी देना पेड़ को, सो आई वाटर द प्लांट, आई वाटर द प्लांट, वह पानी देती है, शी वाटर्स द प्लांट। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जगना, सभी जल्दी जगते होंगे मोस्टली, तो मैं जल्दी जगता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह जल्दी जगता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट आप नहीं जगते, यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गो टू जू, जू आप जू जाना और एनिमल से मिलना और चिड़ियाघर में घूमना, तो एनिमल से मिलेंगे, कनेक्ट होंगे, तो अच्छा लगता है एनिमल से मिलना, तो चिड़ियाघर विजिट करना, कहीं भी जाना, दैट इज कॉल्ड गो टू एनीवेयर, दिल्ली, मुंबई एंड आगरा, तो मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली, आप जू जाते हो, यू गो टू जू, वह समझता, ही अंडरस्टैंड, हम लिखते हैं, वी राइट। तो कोई भी काम आप सुबह से शाम तक, मॉर्निंग में आपकी जो डेली रूटीन है, वो जो आप करते हो डेली का रूटीन में, जो आपका डेली का काम होता है, मॉर्निंग टू नाइट तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, वो हम वहाँ हम डू डस का यूज करते हैं, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आपको लास्ट टॉपिक की आप वीडियो जो है, आप फंड ऑफ जो टॉपिक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री के भी क्लासेस चल रहे हैं, अभय सर पढ़ा रहे हैं, तो उसके भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही टॉपिक चल रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।